सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक अगेन. सो बेसिकली आई एम बैक विथ हाय शिवानी, हाउ आर यू? आई गेस एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? आई गेस सो. आ गए कि नहीं आ गए? सारे बच्चे आ गए? लेट्स एवरीबॉडी शुड ज्वाइन फर्स्ट. सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे. हाय समीक्षा, हाउ आर यू? हाय पंकज, हाउ आर यू? लॉट ऑफ यू आर जस्ट मैसेजिंग मी ऑन द, आई वुड से ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द टेलीग्राम दैट वेयर इज द पीडीएफ, वेयर इज द पीडीएफ. एंड आई ऑलवेज टेक्स्टेड यू कि पीडीएफ हमारे पास ही है, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगा. कोई सेशन बताइए अपना. सेशन बहुत जल्द होगा. सेशन वुड बी लाइक ओके, ये डेली होता है. हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ. तो कल तुम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द, मेरा थोड़ा पर्सनल इमरजेंसी था, उसके लिए नहीं कर पाया था. वीआरसी की क्लास मैं लूंगा अब रेगुलर बेसिस पे लूंगा. अभी मुझे 3 क्लासेस और लेना है करंट अफेयर्स पे, ठीक है? सो व्हाट आई नीड टू से इज मेरे को सिर्फ 3 क्लासेस और लेना है सीए पे, ठीक है? ये थ्री थ्री क्लासेस तुम लोग सीए पे कर लो, फिर उसके बाद हम लोग वीआरसी प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एलआर प्रैक्टिस करेंगे एंड देन क्वांट करेंगे, जैसा मैं बोल रहा था हमेशा. तो इस चीज को बहुत ध्यान से. हाँ, कल नहीं हो पाई थी. पीडीएफ काफी ज्यादा बच्चे, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको महक के पास मिल जाएगा. महक महक ने अपना टेलीग्राम चैनल भी आपको दे रखा है, ठीक है? महक ने आपको टेलीग्राम चैनल भी अपना दे रखा है, तो महक के पास मिल जाएगा. तो बेसिकली गाइज, अब स्टार्ट करते हैं सेशन. वेट नहीं करेंगे हम लोग. अनलॉक द बिग डिस्काउंट, गेट फ्लैट 20. हाय भाव्या, गेट फ्लैट 20% ऑफ एंड अप टू 5 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन ऑन कैट सब्सक्रिप्शन. सो देख रहे हो आप, 12 12 महीने का प्लस 2 मंथ का फ्री एक्सटेंशन 22,400 रुपये में, ठीक है? और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो 35,200 रुपये में. और अगर आप 18 महीने का लेते हो, उसके साथ 5 महीना और ऐड कर दें, तो 29,600 रुपये में मिलेगा. और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो 47,200 रुपये में मिलेगा. तो ये आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट, अच्छा वो कर देगी, 47,200 का मिलेगा. आप नहीं लेना चाह रहे हैं सब्सक्रिप्शन, अलग बात है. आप अपने फ्रेंड को या सभी को जरूर ये कोड AMA5 शेयर करिएगा. आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग, तो दैट वुड बी वेरी मच नाइस फॉर मी अगर आप ये कोड शेयर करते हैं, ठीक है? दैट वुड बी वेरी मच फाइन फॉर मी अगर आप ये कोड शेयर करते हैं, बिकॉज आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है बच्चों? आप सभी को पता है शेयरिंग इज केयरिंग. और कल से क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी. कल से जो भी क्लासेस होगी वो रेगुलर बेसिस पे होगी, तो बच्चों टेंशन ना ले, ठीक है? दूसरी बात, ऑल ऑफ यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर कैट 23 टॉपर्स. आप सभी को पता है ये हमारा बैच है गाइस, जो कि लाइव हो चुका है, जिस बैच का नाम है 0 to Zenith बैच. क्या नाम है? 0 to Zenith बैच फॉर कैट 2024 एस्पिरेंट्स. स्टार्ट डेट है 17 फरवरी 2024. इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक इवनिंग बैच है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, अनइंटरप्टेड लर्निंग के साथ कंसेप्ट बिल्डिंग भी मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं. हाँ, विद PYQs मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, 100+ मॉक टेस्ट होंगे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग कराई जाएगी आपकी, और एजुकेटर के बनाए गए नोट्स. तो अन एकेडमी के टॉप एजुकेटर रमन तिवारी सर, रुकेश अग्रवाल सर, फिर शबाना मैम, संदीप गर्ग सर एंड लोकेश शर्मा सर विल बी टेकिंग दिस बैच फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चों? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है?
अब चलिए आज जो हमारा करंट अफेयर्स होगा वो शायद आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने कहां तक किया था। पहली बात तो इस चीज को देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने सितंबर किया था। प्लेलिस्ट तो बना हुआ है सभी के लिए। हाँ, आई नो दैट आई डिड, या आई विल रिप्लाई। एक्चुअली आई वॉज इन सम इमरजेंसी रजनीश, मैं कुछ इमरजेंसी में था इसलिए नहीं देख पाया, बट हाँ आई विल रिस्पॉन्स, मैं आज रिस्पॉन्स कर दूंगा आपको, ठीक है। हमने देखो कहां तक हम गए थे, सितंबर किया था, अक्टूबर किया था, नवंबर किया था, दिसंबर किया था, जनवरी किया था, ठीक है, इनफैक्ट अगस्त भी किया था, ठीक है, अगस्त भी किया था, सितंबर भी किया था। आज हम लोग एक महीना और पहले जाएंगे। कौन से महीने को जाएंगे? अच्छा, अगर आपको याद हो तो कल मैं पूरे एक साल का, 1 ईयर का करंट अफेयर्स का सेशन लेने वाला हूं। लॉन्ग मैराथन होगा, ठीक है, लॉन्ग मैराथन होगा वो। इट वुड बी लाइक मैराथन, जहां पे मैं पूरे एक साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराऊंगा बच्चों, एक साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराऊंगा, वो लॉन्ग मैराथन होगा, ठीक है। कल ही होगा, कल ही होगा, कल 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 हो जाएगा आपका, ठीक है। आज हम लोग करेंगे जुलाई का, अगस्त का, मिला जुला के। कुछ मैंने बच्चों 70 से 80 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन कल जो मैराथन होगा हमारा, कल जो हम लोग मैराथन कराएंगे, उसमें मैं टोटल 300 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वैसे तो मैंने 500 बना के रखा है, लेकिन 300 कराऊंगा। उस 300 का कंपाइलेशन, मतलब अगर कोई प्लेलिस्ट ना भी देखे, वो 300 क्वेश्चंस को देखे और उसके एक्सप्लेनेशन को देखे, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो हमेशा 10 बजे, टाइमिंग कोई चेंज नहीं होगा। ये सेशन होगा करीबन 10 बजे से शुरू करूंगा, 12 बजे तक ले जाऊंगा रात में, हमेशा ध्यान में रखिएगा, रात में, रात में, रात में, रात में, नाइट 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 नाइट, अगेन सेइंग नाइट, रात में, 10 PM to 12, 10 PM to 12, राइट, 10 बजे, 10 बजे। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आप लोग फ्री रहते होगे उस समय, तो आके सेशन को तो पक्का पक्का ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, उनको जरूर फायदा होगा, उन बच्चों को जरूर फायदा होगा जो लगातार मेरी क्लासेस को देख रहे होंगे, उनको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि यार क्वेश्चन तो मैं वहीं से फिल्टर कर रहा हूं ना, मैंने जो आपको 60-60 क्वेश्चन के सेशन कराए हैं, क्वेश्चन तो मैं वहीं से फिल्टर कर रहा हूं, तो आपके लिए एक अच्छा 1 ईयर का रिविजन हो जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब दैट वुड बी लाइक रियली गुड रिविजन, ठीक है। जिनकी क्लास है वो YT देख लेना, कोई इशू नहीं है। अभी मैं थोड़ा ग्रुप में डाल देता हूँ, थोड़ा सा ग्रुप में डाल देता हूँ। चलो हो गया। Who has assumed charge as a president of SHOM? मतलब ये तो आपको पता ही होगा, ये सवाल अपने आप में कितना महंगा है। आई गेस ये आप सभी को, एवरी वन नोज अबाउट इट। हाँ, YT पर होगा, YT पर, एवरी वन नोज अबाउट इट, आई डोंट थिंक सो किसी को नहीं पता होगा। हु वॉज अज्यूम्ड चार्ज एज एन प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम? हेलो उमेश, कैसे हो भाई, बड़ा लेट कर दिया तुम आने में। बताइए, हु वॉज अज्यूम चार्ज एज एन एसोचम? बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, जजेस अजय सिंह। हाय ईशा, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं अजय सिंह, मुझे देखना पड़ेगा। एंड ऑप्शन नंबर ए, एवरी वन इज आंसरिंग लाइक ऑप्शन नंबर ए। कोई बात नहीं। हेलो 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 कुणाल, कैसे हो? एवरी वन इज आंसरिंग लाइक, अच्छा पंकज भी कर रहा है, हेलो संदीप कैसे हो, अजय सिंह, आकांक्षा भी कर रही है, खुशी, ओके। अज्यूम चार्ज मीन्स इनको चार्ज मिलने वाला है, चार्ज मिलेगा इनको, अज्यूम्ड है। सो लेट्स कम टू दैट पार्ट। बेसिकली स्पाइस जेट चेयरमैन, तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, हाय महक, उसको जरूर जरूर पढ़ें। स्पाइस जेट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह हैज अज्यूम चार्ज एज एन प्रेसिडेंट एसोचैम। पहले ये स्पाइस जेट के थे, तो सवाल पूछ लिया जाता है। हेलो रिद्धिजा, रिद्धिराज। रिप्लेसिंग रिन्यू पावर MD सुमन सिन्हा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, सिंह इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
तो ये भी दिमाग में रखें। हाय दर्शन, जो सिंह जो है वो अजय सिंह जो है वो फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन के भी चेयर प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो ये भैया नोट डाउन करिएगा, और वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। तो अजय सिंह अपने आप में बहुत ही ज्यादा आई थिंक इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद हमारे सामने आता है गाइस, एक और आया है संजय नायर। संजय नायर फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड। तो भैया कोई सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड होगा, उसके फाउंडर हैं एंड इज दैट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसएचएम। तो ये सवाल देखो घुमा के भी पूछ सकते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब एसएचएम के बारे में डिटेल है, उसकी जानकारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और वो बाकी के प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ के हैं, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ज्यादा ही सही रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स लेट्स मूव मूव फॉरवर्ड। चलो, विच स्टेट, देखो पहली बात तो एक बच्चों एक चीज मैं और बताऊंगा, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल भी है। ठीक है, जब बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं तो भैया पढ़ के क्या फायदा, यहां आप अगर पढ़ते हो ना तो सब कुछ बहुत अच्छा रिकॉल होता है। विच स्टेट हैज स्क्रैप्ड द रिजर्वेशन ऑफ 4% गिवन टू मुस्लिम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द टू डोमिनेंट कम्युनिटी, दैट इज लिंगयात्स एंड वो कालीगास। बताइए, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, आज बच्चे बड़े कम हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सेशन को शेयर करिए, आज बच्चे बहुत कम हैं। इजंट इट, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वेयर आर यू ऑल? दैट्स वेरी गुड रजनीश, बहुत सारे बच्चों का आंसर तो सही आ रहा है। चलिए देखते हैं, लेट्स लेट्स हैव अ लुक। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, इसका सही आंसर है कर्नाटका। इन कर्नाटका द रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट हैज स्क्रैप द रिजर्वेशन ऑफ 4%, इन्होंने स्क्रैप किया ऑफ 4% गिवन टू मुस्लिम इन कर्नाटका अंडर 2B ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे ओबीसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू 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 डोमिनेंट ग्रुप्स। बेसिकली कर्नाटका ने किया, कर्नाटका के बारे में जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका का जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, गवर्नर है थवर चंद गहलोत और सीएम है बासवराज सोमाप्पा बोमई। तो यू शुड दस नोटेड डाउन कर्नाटका। देखो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान सकते हो तो जान लो, कर्नाटका ऑफिशियली नोटिफाइड द रूल्स ऑफ अवेलिंग 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। ठीक है, एंड द ईडब्ल्यूएस कोटा वॉज इंट्रोड्यूस बाई पीएम नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन जनवरी। तो ये आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जनवरी में, उसके तहत ये हमें देखने को मिला है। आगे चलते हैं, वेयर वॉज 26th एडिशन ऑफ एलवेटे एक्सपो, एलवेट एक्सपो हेल्ड। बताइए एलवेट एक्सपो कहाँ हुआ था, वेयर इट वॉज हेल्ड? इट वॉज हेल्ड इन दुबई, बर्लिन, लंडन और न्यू डेल्ही। गॉन फ्रांसिस कह रहे हैं दुबई में हुआ था, पक्का श्योर हो? पक्का श्योर हो दुबई में हुआ था? लगता नहीं है मुझे। दुबई दुबई, महक भी दुबई कह रही है, महक इज ऑल्सो सेइंग दुबई, खुशी भी कह रही है दुबई दुबई दुबई। ओके, तो अभी हम लोग चेक ही कर लेते हैं इसको, है ना, टेंशन से दूर रहते हैं, चेक करते हैं। 26th एडिशन ऑफ एलवेटे एक्सपो, पहली बात तो इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। कॉन्क्लूडेड इन दुबई द इवेंट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ 6 स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो बेसिकली इवेंट में आपको 6 स्टार्टअप का पार्टिसिपेशन दिखा एंड एन अनप्रेसेंटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ 180 इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स द 6 स्टार्टअप हु पार्टिसिपेटेड इन एलवेटे सेशन वेयर विनर्स ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022। ओके, दैट्स ग्रेट। एलवेट इज अ पीचिंग सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय
कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप। बेसिकली इसके बारे में जानकारी दी गई है जो कि इतना नहीं पूछा जाएगा। आप सभी को पता है कि वैसे भी आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा बच्चों, तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, व्हाट इज सिलिनेक्स 2023 इज? हाँ, आई में आ सकता है, थोड़ा मैंने इसको बड़ा किया ताकि तुम लोग को दिखे। व्हाट इज सिलिनेक्स 2023 मींस? बताइए क्या मतलब होता है सिलिनेक्स का। व्हाट इज सिलिनेक्स 2023 मींस? बेसिकली व्हाट डज इट मीन सिलिनेक्स? व्हाट डज इट मीन? ए डी, समबडी सेइंग डी, समबडी सेइंग दानिश। ए डी डी, ए बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सिलिनेक्स तो श्रीलंका तो होगा ही सारे ऑप्शन में, बट एक्सरसाइज ही है ये, गारंटी। गारंटी मैं कह सकता हूं कि वो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से डी ही होना चाहिए। सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक बार चेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज बेसिकली द 10th एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन श्रीलंकन बायलेटरल मेरिटाइम एक्सरसाइज सिलिनेक्स 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन कोलंबो ऑन 3rd of April। अच्छा, एक चीज और, आज आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए होगा, आप में से किसी को भी, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? आज आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? कोलंबो में हुआ था एंड दिस इज बेसिकली मैरिटाइम जो हमने बोला था। द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन 2 फेजेस ऑफ 3 डेज ईच, द हार्बर फेज फॉलोड बाय सी फेज। हार्बर फेज था फॉलोड बाय द सी फेज था। द इंडियन नेवी विल रिप्रेजेंट, मतलब जो इंडियन नेवी जिसको जिसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है, आगे ज्यादा इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, करेक्ट है? ज्यादा आपको जानकारी भी नहीं लेनी है, बिकॉज इतना आपके लिए सफिशियंट है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलो लेट्स मूव। हु वॉज अपॉइंटेड, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम? हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम? तो बेसिकली दे आर गोइंग फॉर मून टू मार्स प्रोग्राम। अमित, फर्स्ट आंसर आई गॉट अमित। फर्स्ट आंसर आई गॉट अमित। शिवम कह रही है बी, मतलब बी मतलब वही अमित। बी ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी था। अमित क्षत्रिया, डेकोरेटेड इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर, वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यूली स्टैब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम दैट विल हेल्प द एजेंसी एंश्योर अ लॉन्ग टर्म ल्यूनर प्रेजेंस। अगेन, उतना ज्यादा नहीं है, बट नासा से दो चार क्वेश्चन थे जो हमने लगातार किया है ना, जो हमने लगातार किया है, लाइक जो हमने लगातार 5 6 सेशंस किए हैं उसमें नासा के टोटल 5 क्वेश्चन थे। देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं मैराथन लूंगा ताकि मैं ना सारे सारे एक एक टॉपिक को एक साथ कर दूं, ताकि अल्टीमेटली तुम लोग को फायदा पहुंचे, ठीक है? खैर, जान लो इतना। विच कंपनी हैज लॉन्च ए आई चैटबोट नेम्ड
क्लाउडे, तो इन्होंने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट लॉन्च किया है बच्चों, इसका नाम है क्लाउड। क्लाउड बताइए, गूगल है, जास्पर है, ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, बताइए कौन सा है। Somebody is answering me like समीक्षा कह रही है गूगल, एनीबडी। समीक्षा कह रही है, मानसी सोनी कह रही है ए। अच्छा मानसी ने ए बोला है, एक बार चेक करते हैं। चलो ओके लेट्स हैव एन लुक, दो चार आंसर आ जाते हैं तो मैं चेक कर लेता हूं वैसे। सो अबिड चैलेंज ओपन एआई अथॉरिटी ओवर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस गूगल बैक्ड एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक हैज रिलीज इट्स एआई चैटबॉट कॉल्ड क्लाउड, तो इसको किया है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने, देखो एंथ्रोपिक था ऑप्शन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंथ्रोपिक बेसिकली क्या है, इज एन को फाउंडेड बाई एक्स ओपन ए आई एम्प्लॉइज, बेसिकली फाउंड आउट किया गया था। गूगल रिलीज रिसेंटली अनाउंस्ड PLM एम मॉडल ऑफ ट्रेन टू वर्क विथ मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नोट इटली हैज, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इटली हैज बिकेम द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू ब्लॉक एडवांस चैटबोट। चैट जीपीटी इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड इन नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, ईरान, नॉर्थ 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 कोरिया एंड रशिया। तो पहले से ही किसी किसी कंट्री में चैट जीपीटी क्या है, बैन है। तो भैया आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझा समझा आपने, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट? आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग नेम्ड द खालका खालखा जेटसन धम्पा रिन पोछे, बताइए। बताइए फटाफट, बताइए 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 गाइस। इट इज द हाईएस्ट रैंक, ये तो नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। इन तिब्बतियन ए आंसर आ रहा है लगातार। नो आइडिया, ये अच्छा लगता है मेरे को, तुम लोग लिख देते हो ना नो आइडिया। चलो कम से कम एक्स्ट्रा ट्राई तो नहीं करते हो ना, लिख देते हो सिंपल नो आइडिया, नहीं पता है, अच्छा लगता है, दैट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है। हाँ तुक्का मानना पड़ेगा। इट राइट डाउन देखो क्योंकि ये विजिटिंग है दलाई लामा का। दलाई लामा हैज नेम द 8-year-old मंगोलियन बॉय द 10th खालका जेत्सम धम्मा रिन पोचे द थर्ड हाईएस्ट रैंक इन तिब्बतन बुद्धिज्म। मैंने क्या कहा था, इनका विजिट होता रहता है, सो दे कैन जस्ट आस्क यू अबाउट दैट, ठीक है। द पंचम लामा इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर इन द तिब्बतन। एक बार और दिमाग में रखो, पंचम लामा भी यहां पर है। क्या है यहां पे, तुम लोग को पंचम लामा भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी बच्चे को, कमान गाइस। चलो आगे चलते हैं। विच कंट्री इज सेट टू फॉर्मली बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बेसिकली नाटो कहते हैं, इन द फॉलोइंग कपल ऑफ डेज। सो नाटो, विच कंट्री इज सेट टू फॉर्मली बिकम अ मेंबर, तो नाटो का फॉर्मली कौन मेंबर बनने वाला है, क्रोशिया, फिनलैंड, यूक्रेन या स्वीडन? बी फिनलैंड। ये क्वेश्चन शायद हमने किया था, देखो देखो जब तुम लोग करोगे ना तो इसी तरीके से मिलेगा, जब करोगे ना सवाल तो तुम लोगों को कहीं ना देखो एक ही क्वेश्चन 10 बार मिलता है,
फिनलैंड में भी, फिनलैंड में भी आ रहा है आंसर, बहुत सारे बच्चों का फिनलैंड में भी आ रहा है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज नाटो चीफ। अच्छा पहली बात तो यहां से एक क्वेश्चन और भी दिमाग में रखो अपने कि नाटो के चीफ का भी सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए बताइए इनमें से कौन सा नाटो का चीफ है। तो एक सवाल तो ऐसे बन सकता है कि नाटो का चीफ कौन है, तो भैया ये है नाटो का चीफ। सेड दैट फिनलैंड वो फॉर्मली बिकेम अ मेंबर विद विद इन अ डेज। फिनलैंड इज नॉर्थ यूरोपियन नेशन बॉर्डरिंग स्वीडन नॉर्वे रशिया एंड इट्स कैपिटल इज हेलसिंकी। देखो अगेन ये सवाल तुमसे घुमा के पूछ सकते हैं कि फिनलैंड का कैपिटल क्या है, तो हेलसिंकी। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये हेडक्वार्टर वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभी तो ये शायद बता दोगे, हु इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का कौन इनॉग्रेट किया है डायमंड जुबली? सीबीआई का डायमंड जुबली कौन इनॉग्रेट किया है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आई थिंक ये जानना चाहिए मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू दिल्ली एट विज्ञान भवन। आपको पता ही होगा सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इनको इससे अलग किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनवाइटेड टू अटेंड द बेस्टाइल डे एनुअल मिलिट्री पैरेड इन फ्रांस दिस जुलाई। हु वॉज द लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड दिस एनुअल इवेंट? Who was the last Indian Prime Minister who have attended this annual event? फटाफट बताइए। एनुअल डे मिलिट्री पैरेड को अटेंड करने जाना था, लेकिन वो इनमें से कौन नहीं है? Who was the last, मतलब पहले, अभी तो उनको मिल रहा है, पहले इससे कौन थे, कौन थे, लिखिए कौन थे। बी आंसर आ रहा है, श्योर हो? हमको तो नहीं लगता है बी होना चाहिए, चलो देख लेते हैं फिर भी। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। फ्रांस हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट पेरिस एज अ गेस्ट एट एनुअल बेस्टाइल डे पैरेड इन जुलाई। फॉर्मर पीएम मिस्टर मनमोहन सिंह, तो ऐसा नहीं है, इन्वाइटेड थे and he was like Mr. Manmohan Singh was invited at the battle day, ठीक है, because his contribution is like remarkable, है ना? पता होगा आप लोगों को ना कि उनका contribution कितना ज्यादा है, सब कोई को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following has granted protected geographical indication? Which of the following has granted protected geographical PGI integration for India unique Kangra tea? Which is grown in the Himachal Pradesh district. अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Which of the following has granted protected geographical integration? तो इन्होंने बोला है हम आपको protected geographical indication देंगे for India's unique Kangra tea. और ये क्योंकि unique होता है तो आपको समझ में होना आना चाहिए। What is the correct answer? D कर रहे हैं सारे बच्चे आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। The correct answer is European Commission has granted protected geographical indication for India's unique Kangra tea which is grown in Himachal Pradesh. ये देख लीजिए, ये तो न्यूज में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक ये तो सवाल मतलब मेरे हिसाब से आप लोग से भी होना चाहिए था। इंडियन न्यूज है हमारी, हमारा न्यूज है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इन टू द स्पेस? दे हैव लॉन्च लाइक ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट।
चलिए बताइए, OPEC 13 स्पाई सैटेलाइट इज़राइल। ओके, समबडी सेइंग लाइक इज़राइल, पक्का? बहुत सारे बच्चे तो इज़राइल बोल रहे हैं, बहुत इज़राइल से तो भर गया पूरा कमेंट सेक्शन। चलिए देख, चेक कर लेते हैं एक बार ना बच्चों। करेक्ट आंसर इज इज़राइल, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है, कमेंडेबल, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इज़राइल सक्सेसफुली लॉन्च द OPEC 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस एंड दिस सैटेलाइट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेट ओन्ड इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है IAI। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इज़राइल के बारे में जान रहे हैं। इज़राइल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट OPEC 1। हमेशा याद रखो, अगर सैटेलाइट का नाम याद रखोगे तो अपने आप तुमको कुछ हिंट मिल जाता है। अगर तुम्हें ओफेक याद हो गया है इस क्लास के बाद, तो अभी तुमको ओफेक ये नजर आएगा हमेशा यहीं पे, ठीक है? मतलब ये तुमको इनकी सैटेलाइट्स में ही नजर आने वाला है, बाकी और कहीं नजर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द गोल्डन लाइसेंस इन्वेस्टमेंट स्कीम टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट? मतलब नाउ लाइक अ गोल्डन लाइसेंस इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये गोल्डन लाइसेंस इन्वेस्टमेंट स्कीम है टू अट्रैक्ट बड़े बड़े लोग, माइक्रो स्मॉल मीडियम वाले नहीं, माइक्रो स्मॉल मीडियम वाले नहीं, बड़े बड़े लोग चाहिए इनको। कतर है, कुवैत है, बहरेन है, सऊदी अरेबिया, सब वैसे ही है, ठीक है? सो लेट मी जस्ट चेक दैट करेक्ट आंसर वुड बी, करेक्ट आंसर होगा बहरेन। क्या होगा? बहरेन। बहरेन हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स इंटेंसिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन बाय लॉन्चिंग अ न्यू इनिशिएटिव द गोल्डन लाइसेंस। अब गोल्डन लाइसेंस क्या है, इसके बारे में जानना हमारा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। बस इतना जान लो कि इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लो, वो शायद हमें पता चल गया होगा जब मैंने पढ़ा है, इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है? सो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और है, कैपिटल, बहरेन का कैपिटल, क्योंकि बहरेन के बारे में पूछा है तो ये दिमाग में रखो, दैट इज मनामा, और करेंसी है बहरेनी दिनार। मनामा तो है ही और करेंसी भी है इनका बहनेमी दिनार। इनका नाम अनिल गोजीकर है, जो कि समझ में आ रहा है? ओके फाइन, मैं कमेंट भी देखते रहता हूँ। चलिए, हु इज सेट टू बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई टू द मून? फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई टू द मून, बताइए। आई थिंक दिस शुड बी नोन। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई टू द मून, पहली महिला थी जो मून पे फ्लाई करी हैं। इट्स सैली राइड, मे जैमिनसन, पेगी विट्सन या क्रिस्टियाना कोच? देखो, मुझे तो नहीं लगता है कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आई थिंक आप दे देंगे आंसर। आकांक्षा का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। बाकी तब से तो मेरे को बी ही दिख रहा है, तब से मेरे को बी ही दिख रहा है, बट एक आकांक्षा का आंसर। अच्छा, महक का भी आंसर डी आ चुका है, वेरी गुड महक। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं आंसर क्या है। ओके, पहली बात तो नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टियाना कोच, बेसिकली क्रिस्टियाना कोच इज सेट टू बिकेम द फर्स्ट वुमेन। अगर भैया ये सवाल नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछेंगे वो तुम्हारे से, बताओ? वो तुम्हारे से क्या पूछेंगे, यही तो सवाल पूछना चाहिए, ठीक है? तो ये दिमाग में रखो। अच्छा, इट इज लाइक दे आर आस्किंग आर्टेमिस टू। देखो एक बार और जानकारी लो। नहीं, आज आज स्पेशल क्लास नहीं होगा, स्पेशल क्लास कल से शुरू करते हैं 4 बजे। स्पेशल क्लास का टाइम 4 बजे ज्यादा अच्छे से होता है, तो 4 बजे लेंगे। आर्टेमिस 2 इज द सेकेंड शेड्यूल मिशन ऑफ नासा। ये इनका सेकेंड शेड्यूल मिशन है नासा का, एंड द शेड्यूल क्रूड मिशन ऑफ नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो दोनों को दिमाग में रखो। नहीं, 4 बजे आई थिंक बच्चे अच्छे आते हैं तो 4 बजे ही लेंगे अभी, क्योंकि 11 बज रहा है और मेरे को ये क्लास लेते लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अभी रात में कोई क्लास नहीं रखा है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, विच कंपनी हैज रिसेंटली अक्वायर्ड कराईकाल पोर्ट?
बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज रिसेंटली अक्वायर्ड कराईकाल पोर्ट, बताइए। विच कंट्री हैज वॉश विच कंट्री हैज अडानी, ओके अडानी, बहुत बच्चे अडानी आंसर कर रहे हैं, ओके दैट्स गुड वन, दैट्स गुड वन, दैट्स गुड वन, अडानी ग्रुप। चलो चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जिसका नाम है APSEZ, हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ कराईकाल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड द कंपनी अक्वायर्ड 1,485 करोड़। भाई साहब दैट्स अ वेरी बिग, अडानी कराईकाल पोर्ट इज एन ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट, तो आपको पता ही होगा दिस इज ऑल वेदर डीप। क्या है ये बच्चों? दिस इज लाइक ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट ऑन इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट, और ये आपको इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा ये आपको? कहाँ दिखेगा बच्चों? ये आपको इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे ही दिखेगा, है ना? तो ये भी दिमाग में रख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया? तो भैया बताइए नाम, नया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया? तो इट वॉज अ न्यू लिटरेसी प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च इन इंडिया, बताइए। CAB, अच्छा ऐसा आंसर आ रहा है। अब इतना भी खराब आंसर मत करो तुम लोग, थोड़ा अच्छा आंसर कर दो। ए ए ए मोस्ट ऑफ द टाइम ए ही आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, भैया दिमाग में रखिएगा ये सवाल पूछ लेंगे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू NILP और नव भारत सशक्त कार्यक्रम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर, मतलब कि ये तो सबसे सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्कीम का जो हाईलाइट है वो कहाँ कहाँ है? इस स्कीम का जो हाईलाइट है वो है फाउंडेशनल रेट लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ, वोकेशनल ट्रेनिंग, बेसिक एजुकेशन एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, इन 5ों चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है एवरीवन? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। चलिए, विच कंपनी लॉन्च द न्यू कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड? विच कंपनी लॉन्च न्यू न्यू कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड? बताइए। फोन पे? बताइए, कमांड से फास्ट, फोन पे। ओके करेक्ट आंसर वुड बी फोन पे, फोन पे, बिल्कुल सही। एक बात दिमाग में रखें, फोन पे वॉज, फोन पे बना कब था? फोन पे वॉज फाउंडेड इन 2015 बाय फॉर्मर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। समीर निगम इज नाउ द को फाउंडर एंड सीईओ, तो मे बी दे कैन आस्क फ्रॉम दिस पार्ट अ क्वेश्चन ऑल्सो कि बताइए समीर निगम कौन थे, तो आपको बताना है समीर निगम इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द फोन पे, राइट। ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी पूछ लिया जा सकता है, और ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ONDC का फुल फॉर्म क्या है? इट्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये भी दिमाग में रखिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे? थोड़ा सा देखो, मैं और पुराना चला गया, अप्रैल में चला गया मैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? इट्स हेल्थ फॉर ऑल,
इट्स हेल्थ फॉर ऑल, डिप्रेशन लेट्स टॉक, सपोर्ट नर्स। चलिए, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। कम ऑन, से फास्ट। जानवी साधु कह रही है बी। अच्छा, लगातार आंसर ए आ रहा है, वैसे तो आंसर बी आ रहा है बच्चों का, तो हम लोग भी एक बार चेक करेंगे। चड्डी ही आ रहा है। ओके, लेट्स कम टू दिस। पहली बात तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज द ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका थीम क्या है? थीम है भैया हेल्थ फॉर ऑल। नोट, इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन जेनोसाइड अगेंस्ट टूट्सी भी हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो अब आप देख लीजिए सही है या नहीं। आइए आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अमोघ 3? अमोघ 3 भैया किस टाइप का मिसाइल है? किसी को कुछ पता है? अमोघ 3 किस टाइप का मिसाइल है? मतलब कुछ ना कुछ तो ये होगा ही, तो बताइए अमोघ 3 इज व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल? सरफेस टू एयर। अच्छा, अब चलो, पहला आंसर मिला सरफेस टू एयर, पहला आंसर मिला हम लोग को सरफेस टू एयर। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। एंटी टैंक मिल रहा है। ओके, समबडी इज आंसरिंग मी लाइक एंटी टैंक, दैट्स ऑफ सरफेस टू एयर भी बहुत सारा मिला। एंटी एंटी शिप होगा, एंटी टैंक नहीं होगा। चलो एंटी टैंक, चलो देखते हैं। सो भारत डायनेमिक्स, पहली बात तो इसको बनाया किसने था? भाई, भारत डायनेमिक्स हैदराबाद हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ इट्स थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ 3। मैंने क्या बताया? और ये क्या है बेसिकली, ये इसका रेंज आप लोग को पता है कि क्या है? सो दिस इंडिजिनियस मिसाइल हैज बीन डिप्लॉयड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। इसको गाइड किया गया था। एंड अमोघ 3, जैसे मैंने अभी तक बताया ना, इट्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, AGATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अंडर द G20 डायलॉग फोरम द B20 कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? बताइए कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? फटाफट बताइए। बी शिलोंग। देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड होस्टेड द फोर्थ एंड फाइनल इवेंट ऑफ B20 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन विच इज ऑफिशियली G20। मैंने क्या कहा कि जितना मैं आपको कराता हूं, अगर आप उतना अच्छे से करते हो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर लेते हो, देन नोबडी कैन लाइक स्टॉप यू टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन करंट अफेयर्स। मतलब अगर आपको पूरा का पूरा मार्क्स लेके आना है ना, तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप इस तरीके से चीजों को करते हैं तब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इंडिया सर्व एज यूनियन स्टैटिकल कमीशन? इंडिया यूनियन स्टैटिकल कमीशन कितने टाइम तक सर्व करेगा? गुड इवनिंग अभिषेक, हाउ आर यू? 6 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, या टोटल से टोटल 8 साल के लिए? बताइए। इंडिया विल बी देयर, सी आंसर आ रहा है। नहीं, देखो, पहली बात तो समीक्षा, अगर तुम स्टैटिक करके जाओगी तो करंट आ जाएगा,
और अगर करंट अफेयर आ गया तो स्टैटिक नहीं नहीं आएगा। तो या तो अगर एक सब्जेक्ट पूरा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैं स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराऊंगा। पहले 1 ईयर करंट अफेयर्स का आज ये सेकेंड लास्ट क्लास है, ठीक है? जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उनको बड़ा फायदा हुआ होगा। सो बेसिकली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएन स्टैटिकल फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर बिगनिंग फ्रॉम जनवरी। तो फिर उसके बारे में, मतलब बेसिकली 4 साल के लिए हुआ है, तो आपको पता ही होगा। यूएनएससी जो बॉडी है उसके बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ है बच्चों। इससे सीमैट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बींग सेटअप। पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सेटअप हुआ है इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान या इंडिया बांग्लादेश, फटाफट आंसर करिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, कम ऑन एवरी वन, कम ऑन। अभिषेक आंसर कर रहे हैं, ओनली अभिषेक इज आंसरिंग, दैट्स नॉट गुड। ओनली अभिषेक इज आंसरिंग, दैट्स नॉट गुड। बताइए, इंडिया एंड नेपाल हमें चेक करना पड़ेगा, इंडिया नेपाल सही है कि नहीं। इंडिया बांग्लादेश, ओके, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, इंडिया इंडिया बांग्लादेश सही है कि नहीं। लेट्स हैव एन लुक। तो बेसिकली दैट वॉज किंग ऑफ भूटान, न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड इंडिया एंड भूटान, वेरी गुड। इंडिया और भूटान सबने आंसर दिया था ना। इंडिया एंड भूटान विल ऑल्सो एक्सपेडाइट द प्रपोज्ड आसाम, मतलब जो भी है इनका। द भूटानीज किंग वॉज ऑल्सो 3 डे विजिट टू इंडिया, ये भी हम लोगों ने न्यूज में देखा ही था, ठीक है? दैट इज ही वॉज इन 3 डे विजिट टू इंडिया एज वेल। उतना ज्यादा इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देखो, वेयर वॉज 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका नाम है आईसीडीआरआई 2023 हेल्ड। आईसीडीआरआई 2023 हुआ था। वेयर वॉज 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, बताइए फटाफट। कम ऑन एवरी वन, डो नॉट वेट, डो नॉट स्टॉप, जस्ट आंसर मी, जस्ट आंसर मी, फटाफट बताइए। दिल्ली में हुआ था, मतलब अब सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने ऑप्शन दिल्ली दिया हुआ है, तो दिल्ली में ही हुआ होगा। चलिए एक बार देखते हैं। इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसका थीम क्या था बच्चों? डिलीवरिंग रेजिलेंस एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करेगी आने वाले टाइम पे भी, और कर भी रही है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत कर भी रही है, करेक्ट है ना? चलो आगे चलते हैं। इनके पिलर्स वगैरह उतना जान के कुछ अच्छा फायदा नहीं होने जा रहा। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनोग्रेटेड द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ एंटी कास्ट स्ट्रगल, वायकॉम सत्याग्रह, बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि इसका फ्रेमिंग चेंज कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये ऐसे पूछ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि फ्रेमिंग चेंज कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये ऐसे पूछ सकते हैं, सवाल ये ऐसा पूछ सकते हैं। कम ऑन बताइए। हाँ, एनीबडी? बी आंसर आया, पहला आंसर तो बी ही आया है, बाकी तो आंसर नहीं आया, पहला आंसर बी ही आया है। और कोई आंसर? अच्छा, सेशन को लाइक वगैरह भी कर दो बच्चों। जो बच्चे पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं वो मुझे कृपया करके लाइक कर दें। बी आ रहा है आंसर, ओके। केरला चीफ मिनिस्टर का नाम याद कर लीजिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम आपके दिमाग में होगा ही, केरला का है, तमिलनाडु का है, तो उसको भी दिमाग में रखें, ठीक है? बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, अगर आएगा तो इतना सही आएगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं आने जा रहा है पेपर में। समझ आ रहा है बच्चों? आई गेस यू ऑल आर गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है ना?
न्यूज़पेपर अभी पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जब न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैं पुराने पुराने सारे करंट अफेयर्स करा रहा हूँ जो दिमाग में तुम्हारे होने चाहिए। विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एग्जिस्टेंस? बताओ यार, मतलब ये भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है अभी अभी ये भी कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है जो कि कहलाता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस कॉन्फ्रेंस। बताइए फटाफट बताइए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, पहला आंसर तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही दिख रहा है, पहला आंसर मेरे को ऑस्ट्रेलिया दिखा, दूसरा आंसर भी मेरे को लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ही दिख रहा है। एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। क्या है? करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया। कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जैसा हमने कहा उसके द्वारा भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एंड दूसरा FAO के द्वारा भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एंड द यूएन डेवलपमेंट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम DP एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, मतलब इनके साथ मिलके करवाया जाता है। करेक्ट है, आगे चलते हैं। When is the International Day of Human Space Flight celebrated? When is International Day of Human Space Flight celebrated? ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि बिना याद किए तुम्हारे दिमाग में ही आ जाएगा, तो तुमको ये बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। दैट्स वेरी ट्रू थिंग, बहुत ही सच बात है कि तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? फटाफट बताइए बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? 12 अप्रैल। कई सारे बच्चे, अच्छा करेक्ट आंसर होगा 12th of April। वेरी गुड, 12th of April इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एंड इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो गया। इसके बारे में डिटेल जानिए ना जानिए कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, अगेन जिन बच्च जो बच्चे पहली बार क्लास में, वो भी जान ले कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी ड्यूरिंग हिज विजिट टू विच कंट्री? तो इन्होंने कहीं विजिट किया था तो वहां इनॉग्रेट किया था, तो वाराणसी मतलब बेसिकली वाराणसी के लिए इनॉग्रेट किया था। केन्या है, नाइजीरिया है, युगांडा है, या साउथ सुडान है? व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी केन्या, नाइजीरिया, युगांडा या साउथ सुडान? नाउ आई वुड रिकमेंड दैट एवरी वन शुड आंसर मी। बच्चों सेशन को लाइक भी कर दो यार, मतलब दैट्स वेरी बैड कि कोई लाइक नहीं कर रहा, दैट्स वेरी बैड कि कोई लाइक नहीं कर रहा। द करेक्ट आंसर वुड बी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इट्स अ युगांडा कंपाला। ओके, जयशंकर इज ऑन विजिट टू युगांडा एंड मोजाम्पिक। ये सवाल कभी पेपर में नहीं आएगा क्योंकि विजिट अप्रैल का है, तो सवाल तो विजिट भी आपसे लाइक जनवरी का पूछ लेंगे, फैब फैब भी नहीं, जैन का ही पूछ लेंगे, जैन या फैब का पूछ लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। विच सिटी होस्टेड द इंडियन फ्रांस बिजनेस समिट एंड सीईओ राउंड टेबल? ये भी मैंने आप लोगों को कराया था, बिल्कुल कराया था, अगर आपके दिमाग में हो तो मैंने आपको ये भी कराया था। इफ यू हैव इन योर माइंड, थोड़ा सा अगर दिमाग में हो तो बताना, मैंने आपको कराया था ये। इज इट बेसिकली लियोन, पेरिस, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु? से फास्ट। करेक्ट आंसर वुड बी बच्चों पेरिस, फ्रांस। इसका जो सही उत्तर है वो बेसिकली क्या है, पेरिस और फ्रांस है, तो इनको नोट डाउन करें और पढ़ना शुरू कर दें। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स हेल्ड? बताइए। एनीबडी, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स हेल्ड? ये एक स्टैटिक जीके में आ गया, ये कभी चेंज तो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ए अंकारा। चलो आ जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड थ्री
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन न्यू दिल्ली, तो ऑप्शन में न्यू दिल्ली था क्या? अरे जब न्यू दिल्ली था तो न्यू दिल्ली हो जाता है सब में आंसर। विच सिटी इज होस्टिंग द SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो बेसिकली दे आर होस्टिंग इट, बेसिकली दे आर लाइक होस्टिंग इट। कम ऑन से फास्ट, वो तो होस्ट कर रहे हैं, वो आपको बताना है, बताइए। मुंबई, ओके लेट्स कम टू पॉइंट। किस कुछ बच्चे मुंबई कर रहे हैं मेरे को आंसर, लेट्स हैव अ लुक, एक बार चेक करते हैं। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। करेक्ट आंसर इज मुंबई ओनली, दैट्स ट्रू, टू गुड, टू गुड, दैट्स फाइन। अब इतना इसके बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। वेयर डिड द इंडियन एयर फोर्स डिपार्ट फ्रॉम टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओरियन? कहां से डिपार्ट किए थे ये? ये भी सवाल देखो उतना नहीं पूछेंगे ना, ये डिपार्ट कहां से किए थे ये कुछ सवाल नहीं बनता है, ये नहीं पूछेंगे। आइए आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड? ये सवाल जरूर पूछेंगे, ये सवाल जरूर पूछेंगे, और आई गेस पूछना भी चाहिए, आई गेस ये सवाल तो जरूर पूछना चाहिए। क्या है, DRDO होगा, इसरो होगा, ICAR होगा या NIF होगा? बहुत सारे बच्चे तो DRDO बोल रहे हैं, देखो सबका देख के आंसर मत करो बच्चों। चलो ठीक है, तो अगर हमने चेक किया तो ये हमें मिला, क्या मिला हमें, क्या मिला, ग्रास रूट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। अच्छा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब एवरी वन वॉज रॉन्ग, सारे बच्चे गलत थे कमेंट सेक्शन में। अगर सही बात बोला जाए तो एवरी वन वॉज रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, अगर मैं सही बात बोलू। हाँ ये तुम कह सकते हो कि मोय मोय हो गया। अप्रैल का देखो करंट अफेयर्स मैं ले आया, अप्रैल 13, 2023 विच वॉज एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ये नहीं है सवाल, रहने रहने दो, ये सवाल नहीं है। विच टू कंट्रीज हैव लॉन्च देयर लार्जेस्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉग बालीकतन? बताइए, से फास्ट। सी आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। द करेक्ट आंसर इज लार्जेस्ट इंडिकेट्स द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस हैव लॉन्च देयर लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, द एनुअल ड्रिल्स कॉल्ड बालीकतन। पता चल गया होगा, आई होप एवरी वन गॉट दिस, ये लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए, हु रिसीव्ड आईमा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड? बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत सारा आंसर नहीं आ रहा है। कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ बिरला ग्रुप रिसीव्ड, तो ये दिमाग में रखें, ये कुमार मंगलम बिरला को ही मिला है, तो ये चीज जरूर दिमाग में रखें। ठीक है, सो देखो बच्चों मैंने क्या बोला था, आज मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करा दूंगा, और देखो ये बेसिकली जितना पेजेस था उतना खत्म हो गया, एंड वी आर फिनिश्ड विद टुडे। अब मैं इसका PDF महक को शेयर कर दूंगा, महक तुम पढ़ लेना, ठीक है। एंड देखो पहली बात, दूसरी बात यह है, आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द क्लास, है ना, सारे बच्चों ने क्लास एंजॉय किया। एंड गाइस देखो वो अलग बात है, हम लोगों ने क्लास एंजॉय भी किया, पढ़ा भी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करिए,
अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, ताकि उन्हीं को देख, वही कमेंट्स को देख के हम थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं, फिर मन करता है कि चलो और मेहनत करते हैं. तो दैट्स द पॉइंट. आई होप यू ऑल हैव रियली रियली इंजॉयड द क्लास. ओके, टिल देन बाय गाइज, मिलते हैं कल. कल 4 बजे भी क्लास होगी और 10 बजे भी होगी.